तस्य मुरारी समर्चा तस्य यमा किम कुरुते चर्चा। और गीता स्वयं कहती है स्वल्पमप्य से धर्म से त्रायते महतो भयादि, इस धर्म का थोड़ा सा भी अंश आपको बहुत बड़े भय से बचाता है। अब वो क्या कारण है कि गीता इतनी लोकप्रिय है? जैसे सर्वोपनि तो उपनिषद है, उपनिषद से ही गीता का जन्म हुआ है, लेकिन गीता इतनी लोकप्रिय क्यों है? मुझे चार कारण दिखते हैं मोदी जी। पहला कारण यह है कि गीता संघर्ष का शास्त्र है, और आज हम लोग संघर्ष की परिस्थिति में हैं। हम वेद उपनिषद का बिल्कुल वातावरण अलग था, बैठे हुए आराम से हिमालय की किसी पर्वत चोटी पे आश्रम में, लेकिन गीता में तो वहां युद्ध शुरू हो रहा है, शंख बज चुके हैं, प्रक्षपात तैयार हो रहे हैं उसके बीच में। तो ये याद रखा जाए कि कुरुक्षेत्र केवल हरियाणा में एक स्थान नहीं है, हम सबके अंदर कुरुक्षेत्र है, हमारे अंदर ही दैविक और आसुरिक शक्तियों का युद्ध हो रहा है। इसलिए हम लोग संघर्ष में, और आजकल विशेषकर संघर्षमय परिस्थिति में है, इसलिए ये हमें बहुत आकर्षित करता है, पहला कारण। दूसरा कारण ये कि भगवद गीता के गुरु का विलक्षण स्वरूप, हरेक उपनिषद के गुरु हैं आप जानते हैं, याज्ञवल्क्य हैं, जनक हैं, अंगिरस इत्यादि हैं, लेकिन यहां तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। कस्तूरी तिलकम ललाट फलके वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे नव मौक्तिकम करतले विनुम करे कंगनम सर्वांगे हरिचंदनम चिकलयन कंठे च मुक्तावलीम गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल सुडा। जहां कृष्ण स्वयं गुरु हो उसका तो आकर्षण होना ही है, बड़ा विस्फोट। तीसरी बात मोदी जी, जो गीता में गुरु और शिष्य का एक अद्भुत संबंध है वो मैंने और कहीं नहीं देखा। जब विराट स्वरूप दर्शन हो जाता है, अर्जुन प्रणाम करते हैं, तस्मात प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसाद आम, तो हम ईश मीजु मैं साष्टांग करता हूं, किस प्रकार का व्यवहार मांगते हैं, पितैव पुत्रस्य सखैव सखियु प्रिया प्रिया देव। देखिए कैसी अद्भुत बात है, पिता पुत्र का प्यार, सखा मित्र का प्यार, और प्रिय प्रियतम का प्यार, तीनों का सम्मिश्रण जो है वो संबंध है कृष्ण और अर्जुन का। ये और किसी शास्त्र में हमने ऐसा नहीं देखा, ये भी एक कारण है कि हृदय स्पर्श करती है हमें, क्योंकि वो कहीं ऊपर से ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, हमारे साथ बैठे हैं, हमारे साथ रथ में बैठे हैं मित्र की रूप से। और चौथी बात यह है सार्वजनिक व्यवहार, गीता किसी एक वर्ग, किसी एक वर्ण, किसी एक धर्म, किसी एक देश तक सीमित नहीं है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, हर एक प्राणी के अंदर भगवान का निवास है, ये हमारे वेदांत का मंत्र है, ऋग्वेद का बहुत हमारे संस्कृति का मूल मंत्र है, एक एकम सत विप्रह बहुधा वदन्ति, सताई एक है उसे कहने के अलग अलग मार्ग है। इसलिए गीता में हर एक जगह, इस सारी दुनिया में जब जाता हूं मैं तो गीता जो लोग केवल हिंदू नहीं दूसरे धर्म के लोग भी गीता को पढ़ते हैं बड़े रुचि से। ये चार कारण मैं मानता हूं मोदी कि गीता इतनी लोकप्रिय है। अब गीता का संदेश क्या है, उसमें भी चार मुद्दे संक्षेप में रखता हूं। पहला तो वो कर्मों की हमें व्याख्या करता है, गहनों कर्मणों की गति, कर्मों की गति बड़ी कठिन है, हर एक के सामने कठिन है, आपको कितने निर्णय करने पड़ते हैं, आप प्रधानमंत्री हो के साधारण व्यक्ति हो, अपने जीवन में रोज कोई ना कोई नया हमें करना पड़ता है निर्णय। तो निर्णय का उन्होंने डूज और डोंट नहीं किया, जैसे कुछ लोगों ने कहा ये करो ये नहीं करो, नहीं, उन्होंने एक आंतरिक मंत्र दे दिया। क्या कहा उन्होंने, यत प्रवृत्ति भूतानाम ये सर्वमिदम ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ सिद्धिम विन्दिति मानो, जो ईशावास्यम उदम इदम सर्वम, जो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त शक्ति है उसको यदि हम अपने कर्म से उसकी पूजा करते हैं तब हम सिद्धि की ओर जाएंगे। उसका अर्थ ये निकला कि जो भी हमारे इष्ट हैं, मैं भगवान शंकर का भक्त हूं, यत यत कर्म करो मि तत् तत् अखिलम शंभो तबारा, कृष्ण हो, दुर्गा हो, माता हो, जीसस हो, मोहम्मद, जो भी हो, अगर आप सच्चे दिल से समर्पण करते हैं कर्म को फिर आप गलत कर्म नहीं कर सकते। कि जो ही गलत कर्म करना शुरू किया आपने, आपको लग गया ये तो मैं उनको नहीं समर्पित कर सकता। तो ये उन्होंने मंत्र दे रखा है कर्म का। दूसरी बात, उन्होंने एक संयुक्त योग की बात की है। हमारे संस्कृति में आप तो जानते हैं चार प्रमुख योग हैं, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, राजयोग है, अलग अलग इनके शास्त्र भी है, लेकिन गीता में 700 श्लोक के अंदर चारों योग की उन्होंने व्याख्या की है। और जो जैसे ज्ञान योग नहीं, ज्ञाने न सदृशम पितृ में विद्यते, और भक्ति योग तो है ही, जहां कृष्ण होंगे भक्ति भक्ति होगी,
और कर्मयोग की मैंने बात कही। राजयोग के बारे में भी मोदी जी अगर आप पढ़ें, पर्याप्त उसमें सामग्री है, कैसे बैठना चाहिए, कैसे श्वास लेना चाहिए, कैसे ध्यान देना चाहिए। तो चारों योग सम्मिश्रित योग। तीसरी बात, संयुक्त आश्वासन। बड़े आश्वासन देते हैं मोदी जी, यदा यदा ही धर्म से ग्लाने भवती भारत अभिस्ता नाम धर्म से तदात्मा नाम सजा में हम परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवा में युगे। और कौन्तेय प्रतिजान ही नमे भक्त प्रणश्री। लेकिन अब मैं एक नई बात कहूंगा, वो जो आश्वासन आप अगर आश्वासन देते हैं कोई लोकसभा में, तो एक साल के बाद लोग कहें प्रधानमंत्री आपने आश्वासन दिया था पूरा कीजिए। तो श्री कृष्ण को ऐसे ही जाने थे बांसुरी बजाते बजाते, आश्वासन दे के निकल जाए, बंधना बांधना है उनको। उनको कैसे बांध सकते हैं, भक्ति से ही बांध सकते हैं, और तो कोई तरीका है नहीं। और एक और बात मैं कहूं मोदी जी, शायद पहली बार आपने सुना हो, अगर हमें भगवान की आवश्यकता है तो भगवान को भी हमारी आवश्यकता है। याद रखिए, मानव की सहयोग के बिना भगवान का कार्य पूरा नहीं होता। नहीं तो सुदर्शन चक्र था चला लेते, युद्ध खत्म कर लेते। नहीं, क्यों अर्जुन के पीछे पड़ रहे, खड़े हो जाओ, निमित्त मात्र मैंने सबको मार रखा है, खड़े हो जाओ, खड़े क्यों? क्योंकि हमारे सहयोग के बिना उनका कार्य पूरा नहीं। श्री राम ने भी जब चढ़ाई करनी थी श्रीलंका पर, तो अयोध्या से कोई नहीं आया, वहां के जो वनवासी है और बहुत प्रगतिशील वनवासी है। ये दुर्भाग्य है कि हमारे उत्तर भारत के कवियों ने उनको वानर कह दिया, तो लोग समझते वानर है, वानर नहीं है, बहुत ही प्रगतिशील। उनके देखिए कितनी बड़ी राजधानियां थी। तो इसलिए वो सब इकट्ठे किए, वो सेना बनी, तब जाके उनका कार्य पूरा हुआ। तो इसलिए हमें भगवान को बांधना है, जो आश्वासन ने किए कि नहीं तो ये ना हो जाए कहीं मोदी जी कि हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। वो आश्वासन दे के जो चले गए बांसुरी बजाते बजाते, तो हम सब यहीं रहेंगे। और चौथी और अंतिम बात मैं कह रहा हूं, संयुक्त समर्पण। अंत में जब सारी गीता समाप्त हो जाती है, ये तो प्रश्नोत्तरी है, आप जानते उपनिषद भी प्रश्नोत्तरी, हमारी संस्कृति ही प्रश्नोत्तरी की संस्कृति है। तो गीता में जो अंत में सब समाप्त हो जाता है, तो भगवान एक अपना श्लोक बोलते हैं, क्या कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सब धर्म के धारयति इति धर्म, जो धारण करता है। कुछ तो समझते हैं कि उनकी उनका धन धारण करेगा, कुछ समझते हैं उनकी विद्या धारण करेगी, कोई समझते हैं उनकी सत्ता धारण, अंततो गत्वा दैविक शक्ति ही धारण कर सकती है। इसलिए वो कहते हैं सब धर्म को छोड़ो, मां शुच, आखिरी जो दो शब्द है देखिए गीता के, मां शुच, डरो नहीं। जैसे एक अंधेरे कमरे में बच्चा चल रहा हो तो मां पीछे कहते डरो नहीं बेटा मैं भी, तो कृष्ण कह रहे हैं मैं हूं ना। इसलिए अंत में मैं श्री कृष्ण के प्रति ही एक श्लोक अर्पित करता हूं, जिसमें हम कह रहे हैं, उनको प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आप कृपा करके आज ही अपनी हमारी चेतना को अपने कृपा में ले लीजिए। अंतिम समय जब आएगा न जाने बोल पाएंगे, कहाँ होंगे, आईसीयू में होंगे, कहाँ होंगे, इसलिए विलंब ना करें। कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्येव मे विशितुमान स राज हंस प्राण प्रयाण समये कफवाति पित्तेय कंठावरोधन विधव स्मरण। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपका धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करता हूं कि आप कार्यक्रम को